हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं NPCIL की वेबसाइट को मैंने यहां पर ओपन कर रखा है और करंट रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर लिखा गया है स्टार्टिंग डेट 27/5/2022 और लास्ट डेट है 16/6/2022 और रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 27/5/2022 को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके नोटिफिकेशन को हमने यहां पर डाउनलोड कर रखा है, तो इसको हमने यहां पर ओपन कर लिया है। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आई है नरूरा परमाणु विद्युत केंद्र या फिर नरूरा एटॉमिक पावर स्टेशन में। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स लिखा गया है, नोटिस फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो यहाँ पर ITI अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकली है नरूरा एटॉमिक पावर स्टेशन में। तो अगर आप परमाणु ऊर्जा विभाग से अप्रेंटिस करना चाहते हैं और अगर आप ITI पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो है वो 27/5/2022 को सुबह 10 बजे से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16/6/2022 को शाम को 4 बजे है। इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे हम देखें तो यहाँ पर ट्रेड का विवरण दिया गया है। तो ट्रेड सबसे पहले फिटर ट्रेड की जो पोस्टें हैं 25 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 12 पोस्ट है और टोटल अगर देखें तो 50 पोस्टें यहाँ पर है, जिसमें कि आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो अगर आपकी ITI 1 साल की है तो 7,700 रुपये मिलेगा और अगर आपकी ITI 2 साल की है तो आपको 8,855 रुपये यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है। इसके बाद आपकी जो अप्रेंटिस की जो अवधि रहेगी वो 1 वर्ष की रहेगी और 14 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए और 5 वर्ष की छूट यहाँ पर OBC SC ST उम्मीदवारों के लिए दी गई है। इसके बाद यहाँ पर इसके आगे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है सीटें दी गई है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें यहाँ पर है। और उसके आगे हम यहाँ पर देखें तो शैक्षणिक योग्यता लिखा गया है, जिसमें कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तीनों के लिए सेम लिखा गया है कि संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। तो आपको संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रशिक्षण का जो स्थान है वो रहेगा नरूरा एटॉमिक पावर स्टेशन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, 1 साल की ट्रेनिंग आपको वहाँ पर करवाई जाएगी। इसके बाद हाइट और वेट की हम बात करें तो 137 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए और 25.4 किलोग्राम आपका यहाँ पर वजन मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद चयन प्रक्रिया जो है उसमें लिखा गया है कि ITI में जो परसेंटेज आपके आए हैं उसके आधार पर यहाँ पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। और इसके बाद लिखा है कि नरूरा परमाणु विद्युत केंद्र नरूरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के 16 किलोमीटर की परिधि में निवास करने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके जो ITI है उसमें सेम नंबर आते हैं या जन्मतिथि सेम होती है तो इसके लिए जिनके 10वीं में ज़्यादा परसेंटेज है उन्हें लिया जाएगा। इसके बाद इसके नीचे यहाँ पर हम देखें तो इसका जो आवेदन है इसे आपको कैसे करना है, तो इसका जो आवेदन है वो आवेदन आपको वेबसाइट के माध्यम से करना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले आवेदन कैसे करें तो आपको apprenticeindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको npcilcareers.co.in की वेबसाइट पर जाना है और उस पर आपको आवेदन करना है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और आवेदन करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आपको आवेदन पत्र का जो प्रिंटआउट है वो लेकर और उसमें आपको साइन करने के बाद फ़ोटो और सभी जानकारी लगाने के बाद आपको एड्रेस पर भेज देना है, जो एड्रेस यहाँ पर लिखा है इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेज देना है। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अप्रेंटिस की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, इसके बाद आपको उसी वेबसाइट पर इसके लिए अप्लाई भी कर देना है। इसके बाद आपको आगे क्या करना है कि NPCIL की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद आपको उसका प्रिंटआउट निकलाना है और सारे जो डॉक्यूमेंट है उनको साथ में लगाकर आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिया
गया इस एड्रेस पर भेज देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आवेदन करना है और ये जो आप इनको लिफाफा भेजोगे वो आपका आवेदन इनको 7 जुलाई 2022 से पहले पहले प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।